इस वक्त अनार को मैंने इतनी मुश्किल से सुलाया था, और फिर माहा जाग गई, फिर मैंने माहा को सुलाया, और जिस तरह ही मैं माहा को सुला चुकी फिर इधर से अनाया जाग गई। मैं कहती हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम है बच्चों को सुलाना, और उसके बाद के वो सोते रहें थोड़ी सी देर, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नींद है इसकी अनाया की कि ये बस थोड़ी सी देर में बस ये उठ भी गई है। हालांकि मैंने सोचा था अब ये सो गई है, अब मैं फ़ौरन से ये काम करूँगी वो काम करूँगी, इनके ड्रेसेस थोड़े मैंने सेट करके रखने थे वो करूँगी, लेकिन ये जाग गई है। खैर फिर भी फ़िलहाल तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि नमाज़ का टाइम भी थोड़ा सा रह गया है और नमाज़ ज़रूरी भी बहुत है, तो नमाज़ में पहले पढ़ लेती हूँ। अनाया तो वो जाग गई है और बस अब वो शरारतें भी करेगी साथ साथ, और साथ साथ मैंने कुछ काम भी करने मैं वो करूँगी। अनाया की नींद पूरी हो गई। ये कैसी नींद थी अनाया? खैर आप लोगों को मैं पूरे कमरे की हालत भी दिखाती हूँ। ये चार्जर देखिए, ये बार बार अनाया वहाँ से निकाल देती है, और ये सब चीज़ें ये देखिए अनाया ने इधर फेंकी हुई है। अब मैं ये सब कुछ उठा के वापस रखूँगी, और ये फिर थोड़ी सी देर बाद बिखर जाएगा। लेकिन मुझे ये होता है कि अच्छा अब ये देखिए यहाँ से मेरी दीवार का भी हाल हुआ है, यहाँ से बार बार ये गिर जाता है, यहाँ से ये जगह काफ़ी ख़राब हो रही है। इसको वाइट वॉश करवाने वाला है इस जगह से। ये जगह इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि एसी का जो पानी है वो सारा यहाँ पर रुक जाता है, और जिस तरह ही पानी यहाँ पर रुकता है तो ये सारी दीवार यहाँ से ख़राब हो गई है। और यहाँ ना इस तरह यहाँ पर एक बार भी हाथ लगा दे तो बस फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैस हो जाती है जगह, और इसको हम इंशाल्लाह वाइट वॉश करवाएँगे। अनाया के बाल को इसमें सेट करूं क्योंकि ये बेचारी जागी है अभी भी। तो ये फिर ड्रार्स पे ही खेल रही है अनाया का। अब मैं क्या आपको बताऊं कि वो बस हर टाइम कुछ ना कुछ इधर उधर फेंकती रहती है। आप देख रहे हैं ना ये सारी जगह इसमें ख़राब कर रखी हुई है, और यहाँ पर इंशाल्लाह हम इस जगह को भी सेट करेंगे। यहाँ पर सोफ़ा भी रखने लगे, उससे पहले इंशाल्लाह मैं यहाँ पर वाइट वॉश भी करवाऊँगी और इस जगह को बिल्कुल न्यू करूँगी। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ये कितनी सही हो जाएगी। हालांकि ये मैं बार बार साफ़ करती हूँ ये जगह, लेकिन यहाँ पर बार बार ये गिर जाता है। अब थोड़ा सा कमरा भी सेट करती हूँ, फिर जब मैं कमरा सेट कर लूँगी फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कमरा जब सेट हो जाता है कितना खूबसूरत लगता है, और जब ये हिस्सा बिखरा होता है तो ये कितना बदसूरत लग रहा होता है। तो खैर अभी आप देखिएगा। अब जब रूम साफ़ हो गया है तो माशाल्लाह काफ़ी सही लग रहा है, और क्योंकि मैंने यहाँ से सारी सफाई की, और मुझे देख देख के फिर अनाया भी यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट हो गई थी। अनाया जिस तरह किसी को कुछ करते देख ले फिर वो वही सेम काम करने लग जाती है। ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा इस तरह है कि वो हर काम ही कॉपी कर रही है। अच्छा काम तो चले कॉपी कर लिया तो वो तो अच्छी बात होगी, लेकिन अनाया आप कहाँ छुप गई? अनाया आर यू हाइडिंग समवेयर? अनाया आप कहाँ छुप गई? अनाया अल्लाह। अनाया को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि वो इस तरह से छुप जाए फिर उसको कोई ढूंढे, या फिर कोई उससे छुप जाए और वो फिर उसको ढूंढे। और इस और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब उसके यहाँ से छोटे छोटे पाँव नज़र आते और ये सब स्टिल खड़ी होती है, तो मुझे बहुत क्यूट लगती है ये देखिए। और इसको बहुत हंसी आती है कि मैं यहाँ पे छुप गई अब मुझे कोई ढूंढेगा। अनाया आप कहाँ छुप गई? और ये देखिए अनाया ने नेल पेंट भी लगाया है। और अनाया को नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि सब प्यारा लगता है। ये तो खैर अभी मैंने नहीं लगाया इसको, लेकिन मैं भी कभी इसको लगाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आ जाए ना बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, डोंट हाइड देयर। अभी वो जगह सही नहीं है, जब वो जगह सही हो जाएगी फिर उधर छुपेंगे।
सो लाइक दिस अनाया ओपन्स द डोर, अनाया खुद ही दरवाज़ा खोल लेती है और इस वक्त अनाया चाह रही है कि मैं इसको बाहर ले जाऊँ, मैं बाहर ले जाती हूँ आपको, आप दरवाज़ा खोलें मैं बाहर लेकर जाती हूँ। तो मैंने लॉक कर दिया होता है दरवाज़ा ताकि खोल ना सके। अनाया दरवाज़ा खोलें, अच्छा सॉरी सॉरी, अनाया का ड्रेस इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि इसके पापा को वो शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है जो इसने पहले पहनी हुई थी। सो आई हैव चेंज्ड हर ड्रेस। अनाया दिखाएं, मुझे अपनी शर्ट दिखा दे अनाया। अनाया लुक हियर, इधर देखें। हालांकि ये शूज़ फ्रॉक वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन इसको ये फिर छोटे हो जाएंगे और अभी मेरे सामने वो दूसरे थे नहीं जो मैं इसके साथ पहना देती, तो मैंने इसको यही पहना दिया है। कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो हर चीज़ गुजारा हो जाता है। अब सर्दियाँ आ गई हैं और जब हमने ये ट्राउज़र ख़रीदा था हमने कहा ये तो बहुत लंबा है, ये तो इसको बाद में पूरा आएगा, लेकिन ये ट्राउज़र माशाल्लाह इसको अभी ही पूरा है और शी इज़ इन्जॉइंग एंड लविंग द वेदर एज वेल। इसको बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम जो मौसम हो रहा है। क्या चीज़ हटा रही है ना, ना वेयर आर द बर्ड्स, ना वेयर आर द बर्ड्स अनाया, वेयर आर द बर्ड्स, ओके वेयर इज़ द मून अनाया, वेयर इज़ द मून, बाय। अच्छा ये इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में खामोशी होती है, ज़्यादा शोर भी नहीं होता और इसको बहुत मज़ा आ रहा है कि ये परिंदों को देखे इस वक्त और बस इस तरह की चीज़ें देखने में इसको मज़ा आता है, या बिल्ली इसको नज़र आ जाए और ये इसको भगाए। लेकिन हमने इसके लिए दो पैरट्स इसलिए ले लिया, हमें लगा कि इसको ये चीज़ें पसंद हैं, लेकिन वो जो घर में आ गए वो इसको नहीं पसंद, जो आसमान पे इसको नज़र आ जाए फिर इसको वो पसंद होते हैं। अभी वहाँ परिंदा छोटा सा उड़ रहा था,